हेलो नाइन्थ क्लास, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का हम यूनिट 6 कर रहे थे। कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद की सियासी बसीरत और पाकिस्तान। नेक्स्ट इसको शुरू करते हैं। वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नमनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रपोर्शन, लीगल लॉज एंड मोरल कोड्स, कस्टम्स एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस। इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड, उन्होंने ऐलान किया। अफर्म दावा करना या ऐलान करना। ही अफर्म्ड, आपने ऐलान किया। 3 ईयर्स, 3 साल बिफोर कबल द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पैदाइश से, यानी पाकिस्तान के ज़हूर से 3 साल कबल या पाकिस्तान के क़याम से 3 साल कबल। विद आवर ऑन, हमारी अपनी डिस्टिंक्टिव नुमाया कल्चर, सकाफत है, एंड सिविलाइजेशन तहजीब है, लैंग्वेज ज़ुबान, एंड लिटरेचर अदब, आर्ट फन एंड आर्किटेक्चर फन तामीर, नेम्स इस्मा इसम को कहते हैं, नाम को कहते हैं, एंड नमनक्लेचर फहरिस्त अस्मा नामों की फहरिस्त, सेंस ऑफ वैल्यूज सेंस एहसास ऑफ वैल्यूज इकदार का एहसास, एंड प्रपोर्शन और तनासुब, लीगल लॉज जायज़ कानून, मोरल कोड्स अखलाकी ज़ाब्ते, कस्टम्स रिवाज, कैलेंडर जदवल या कैलेंडर, हिस्ट्री तारीख एंड ट्रेडिशंस रिवायात, एप्टीट्यूड मिलान रुझान, एम्बिशंस ख्वाहिशात। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव, हम रखते हैं आवर ऑन, अपना डिस्टिंक्टिव नुमाया आउटलुक, नुक्ताए नज़र ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। अब इस सब की ट्रांसलेशन होगी। पाकिस्तान के क़याम से 3 साल कबल उन्होंने ऐलान किया। हम ऐसी कौम हैं जिनकी अपनी नुमाया सकाफत व तहज़ीब, ज़ुबान व अदब, फ़न तामीर, नाम और फहरिस्त अस्मा या नाम और निज़ाम तस्मिया, एहसास इकदार और तनासुब, जायज़ कवानीन, अखलाकी ज़ाब्ते, रिवाज और जदवल यानी कैलेंडर, तारीख़ और रिवायत, मिलान और ख्वाहिशात हैं। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी के बारे में हमारा अपना नुमाया नुक्ताए नज़र है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। द आइडियोलॉजी, नज़रिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया पाकिस्तान वॉज बेस्ड, वो मबनी था ऑन द फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल उसूल दैट के द मुस्लिम्स मुसलमान आर एन इंडिपेंडेंट आज़ाद नेशन कौम है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पाकिस्तान के नज़रिया की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं
और उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी किस्म की कोशिश की ज़बरदस्त मुज़ामत की जाएगी। ये नेक्स्ट जो है इसका जो हिस्सा है, एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रॉन्गली रेसिस्टेड। एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश टू मर्ज, जम करने की, एक करने की, ब्लेंड करने की, मिक्स करने की, देयर नेशनल, उनके कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी शनाख्त को, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को जम करने की कोई भी कोशिश, किसी भी किस्म की कोशिश, विल बी स्ट्रॉन्गली, उसकी ज़बरदस्त रेसिस्टेड, स्ट्रॉन्गली रेसिस्टेड, उसकी ज़बरदस्त मुज़ामत की जाएगी। सो फर्स्ट सेंटेंस था, द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद इस उसूल पर थी, इस बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं और उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी किस्म की कोशिश की ज़बरदस्त मुज़ाहमत की जाएगी। इन पैराग्राफ्स को जो ट्रांसलेशन पढ़ाई गई है अच्छी तरह याद करना है, इसमें जो भी सिनोनिम्स हैं उनको अच्छी तरह याद करना है, रफ़ नोट पे, बुक पे लिखना है। थैंक यू।